तो मेरे भाई ग्राउंड पे मत जाना कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्या ऐसा कहाँ बैठा हूँ, मैं अभी हूँ गांव में। मैं रियल में बता दूँ, क्योंकि गांव में तो कॉलेज होते नहीं हैं और कॉलेज होता है सिटी में, मगर घर तो गांव में पड़ता है। जन्म स्थान जहाँ है तो वो तो गांव में है, हमारा नहीं तो आपके बाबा का या दादा का तो हो ही सकता है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि गाँव का लड़का एक सिटी में जाके और कैसा कैसा काम करता है और कैसा कैसा रिटर्न आ जाता है। वीडियो पे बहुत मज़ा आएगा, पर लास्ट तक देखे रहिएगा, बहुत से सीख मिलेगा। चलो हम एक्चुअली बात करते हैं, जैसे कि मैं अभी गांव पे हूँ और ये पीछे देख रहे हो मेरा गांव, ठीक है, ऐसा दिखता है, और इस साइड है जंगल, ठीक है। मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे। तो यार रियलिटी में मैं बता दूँ कि जैसे आप गाँव से होंगे तो गाँव से आप पढ़ने पहले कहाँ जाए होंगे, तो गांव से जैसे हम 12वीं तक तो चलो गांव में स्कूल रहता है तो हम गांव में 12वीं तक पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ता है, कॉलेज में। तो कॉलेज तो गांव में रहता नहीं है, वो सिटी में रहता है। तो मान लीजिए कि अभी एक्चुअली हम अपनी सिटी की बात करें तो लोकल सिटी में या लोकल ज़िले में रहोगे तो आप सोचोगे यार लोकल ज़िला या लोकल सिटी, मान लीजिए कि कोई भी सिटी, एक्स वाई जेड, सागर हो गया, दमोह हो गया, रीवा हो गया, सीधी हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, जबलपुर हो गया। तो अब मान लीजिए कि एग्जांपल हम सीधी का ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप सीधी की स्टूडेंट हो, रीवा की स्टूडेंट हो, तो आप सोचोगे यार सीधी रीवा में तो विश्वविद्यालय है नहीं, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, कॉलेज अच्छा है नहीं, क्यों ना हम सागर के लिए।